Assalamualaikum and welcome back to my channel. So as I said कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़, तो मैं अपना वादा पूरा करने आ गई हूँ. तो आज आप लोगों के लेकर आई हूँ स्प्रिंग रोल्स, उसकी रेसिपी देखते हैं. सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 4 to 5 पोटैटोज़, 4 से 5 आलू चाहिए होंगे, वो भी उबले हुए हैं, मैश्ड होने चाहिए. एंड देन व्हाट यू नीड इज़ आपको चाहिए होंगे मटर पीस, यानी कि वो मैंने लिए हैं यहाँ पे 1/2 कप, और ये भी बॉयल्ड हैं क्योंकि कच्चे नहीं डाल सकते. और उसके बाद मैंने है 1/4 कैबेज ली है, ये भी फुली चॉप्ड है, 2 शिमला मिर्च, 2 स्मॉल कैप्सिकम, और ये 1 कैरेट, 1 गाजर, ज़्यादा नहीं चाहिए. अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने एक पैन ले लेना है, उसको आपने नॉर्मल आंच पे रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी क्योंकि हमने इनको सॉटे करना है. अब ऑयल डाल देंगे इसमें, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, याद रखें सॉटे करना है. अब यहाँ पे मैंने एक सॉसेज लिया है जिसको मैंने चॉप किया है, सॉसेज टेस्ट इन्हांस करने के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा. ऑयल गर्म हो चुका है यहाँ पर, थोड़ा सा गर्म करना है. अब इसमें कैरेट्स डाल दें और उसको मिक्स कर लें, हल्का हल्का चम्मच चलाएँ उसमें. फिर कैप्सिकम डाल दें, याद रहे आंच आपकी धीमी होनी चाहिए क्योंकि सॉटे करना है. उसके बाद आपने डाल देनी है कैबेज, लेकिन हमने पीस नहीं डाली क्योंकि वो पहले से ही उबली हुई है, तो उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, थोड़ा सॉटे हो जाएगा. तो जी मिक्स करने के बाद इसमें सॉसेजेस ऐड कर देंगे, इनको भी आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये भी सॉटे हो जाए. अब आप इसमें हसे जरूरत नमक डाल लें, अब यहाँ पे मैं हरा प्याज ग्रीन अनियन ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास है तो डाल लें, नहीं है तो ना डालें, कोई बात नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है, बट मुझे पसंद है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर. अब इसके बाद आपने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे, जितने आपको पसंद है तो मुझे आप लोग खाते हैं उसके लिहाज से आप डाल लें. उसके बाद सोया सॉस डाल दें, 3 to 4 ड्रॉप्स डालेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से. मिक्स करने के बाद आपने इसमें चिली सॉस ऐड करनी है, उतनी डालनी है जितने आपने सोया सॉस डाला है. इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे तरीके से सॉटे हो जाए और इनके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस का टेस्ट चला जाए. अब आपने क्या करना है, जो मैश्ड पोटैटोज़ हैं उनमें आपने पीस ऐड कर देना, मटर ऐड कर देना. उसके बाद जो आपने मिक्सर प्रिपेयर किया है मसाला यानी वेजिटेबल्स का, उसको आपने ऐड कर देना है. एंड देन उसको आपने मिक्स कर लेना है, लेकिन सबसे पहले आपने 3 to 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाली है. अब आपने इसको करना है, यहाँ पे मैं अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप मैदे के सैलड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हैं, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं. अब आपने रोल की पट्टी ले लेनी, उसके साइड पे आपने मसाला ऐड कर देना है और उस कॉर्नर को रोल करते हुए लेके जाना है, यहाँ पे स्टॉप कर देना है. जब 2 कॉर्नर्स आ जाएँ उनको आपने फोल्ड कर देना है, एंड देन फिर से रोल करते हुए 1 फोल्ड देना है आपने. एंड देन उसके बाद आपने अंडा लगा देना है उधर, ताकि वो उसके साथ चिपक जाए, ताकि खुले ना हो पट्टी, जैसे कि मैंने कहा आप मैदे की सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं. अब इसको रोल करके फोल्ड करते हैं. ऐसे ही आपने सारे बनाने में, आपको दूसरी तरफ करके दिखा देती हूँ. फिर से आपने कॉर्नर पे डालने हैं मसाला, उसको थोड़ा लंबा करना है ताकि ये पूरा आ जाए पट्टी पे. एंड देन आपने कॉर्नर से ही उसको ऊपर करते हुए लेके जाना, रोल करना है जब तक वो 2 कॉर्नर्स ना आ जाए. जब वो 2 कॉर्नर्स आ जाएंगे तो आपने सिंपली उनको भी फोल्ड कर देना है उसी के साथ, और फिर से आप फोल्ड कर देंगे. 2 दफ़ा फोल्ड करके आपने फिर से एग लगा देना है अंडा, एंड देन उसको आपने फोल्ड कर देना है. ये फोल्ड मामा करेंगे बिकॉज़ आई एम स्टिल लर्निंग, मैं करती हूँ बट फिर भी इतना प्रोफेशनल नहीं है. फ्राई करके सर्व कर दें, एंड ये हमारे रेडी हो चुके हैं. एंड अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. रमज़ान मुबारक.